जैसा कि आप सबको मालूम है कि देश की परिस्थितियों में बहुत से बदलाव हुए हैं जब से किसान आंदोलन शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर के ऊपर पहुंचा है। आप सब ने देखा कि देश के अंदर जो उछल कूद हुई है, मोदी सरकार कहीं ना कहीं किसानों मजदूरों को मुद्दों को भूलकर उनको दरकिनार कर अपनी सरकारें बनाने और सरकारें बचाने का काम कर रही है। और जैसे आपने देखा कि करीब करीब बहुत से राज्यों में क्रॉस वोटिंग होकर उन्होंने सिर्फ अपनी सरकार बचाने का काम किया और विपक्ष को खत्म करने का काम किया है। जहां हम लोग बोलते हैं कि राजनीतिक दलों पर विश्वास करो, और ये बिके हुए राजनीतिक नेता अपने स्वार्थ के लिए देश के हितों का गान करते हुए वो जाकर क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही आपने देखा कि अभी गुजरात के बंदरगाह के ऊपर 3300 किलो ड्रग्स पकड़ी जाती है, और जो मोदी समर्पित गोदी मीडिया है वो कहीं पर बात नहीं करता है कि गुजरात ड्रग्स अदानी का क्या कनेक्शन है। वो उड़ता पंजाब की बात करता है और नशे में हरियाणा की बात कर देता है। तो मैं आपसे अवगत कराता हूं कि हरियाणा के अंदर कश्मीर की तरह और पूर्व के राज्यों की तरह एक पूरी पैरामिलिट्री 70,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाकर डिजिटल बंदी कर दी गई है। पूरा व्याख्यान किया जाता है कि डिजिटल इंडिया है, डिजिटल भारत की बातें होती हैं, और ये डिजिटल इंटरनेट बंद कर डिजिटल कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो ये इसके लिए स्पेशल ये है कि आंदोलनों के अंदर जो लोग अपनी आवाज उठाना चाहते हैं उस आवाज को बंद कर दिया जाता है। कल से अंबाला के अंदर फिर से इंटरनेट की सेवा है जो बंद कर दी गई, और इसमें दरकिनार कर दिया जाता है जो स्टूडेंट हैं, जो छोटा कारोबारी है, जो पेट्रोल पंप व्यवसायी हैं, जो बैंकिंग कार्य हैं और बच्चों के एग्जाम हैं, उनको दरकिनार कर सिर्फ आवाज ना हमारी पहुंचे उसके लिए ये बंद कर दी जाती है। लेकिन वो हरियाणा को नहीं जानते, हरियाणा के स्वभाव को नहीं पहचानते कि ये उस स्प्रिंग की तरह है कि जिसे जितना दबाया जाएगा ये उतनी जोर के साथ और मजबूती के साथ खड़ा होगा। जिसके संदर्भ में आपको बता देता हूं, कल धनोदा गांव के अंदर बनैन खाप की 52 गांव की जो खाप पंचायत हुई है जो आंदोलन के कॉल की वेट कर रहे हैं, और 1 मार्च को दादरी के अंदर संसपुर गांव है जहां से पूरी दादरी की खाप पंचायतें बड़ा जो प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन है वो शुरू करेंगी, और बांस के अंदर और टिटोली के अंदर धरना प्रदर्शन जारी है। कल हमारे फोरम की मीटिंग हुई थी, आज दोनों ही फोरम मिलकर मीटिंग करेंगे, पर हमारा मुद्दा एक साथ साथ में जो शुभकर्ण का FIR दर्ज करवाने के लिए है, उनके परिवार को मिलने के लिए आज ये शंभू बॉर्डर से एक डेलीगेशन गया है जिसमें सतनाम सिंह जी सानी दुआबा किसान यूनियन से और जय सिंह जी जलवेड़ा BKO शहीद भगत सिंह के उनके नेतृत्व में गया है। आज पूरे देश से जितने किसान संगठन किसान मजदूर मोर्चा में हैं और नॉन पॉलिटिकल SKM के अंदर हैं वो इकट्ठे होकर एक बड़ी मीटिंग करेंगे जिसका फैसला आपको कल सुबह सुनाया जाएगा। साथियों, जो जो माहौल बना रखा देश में, पूरी अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। जैसे भाई साहब ने बताया, वहाँ पकड़ा गया नशा, पकड़ा गया अडानियों उस पर। साथियों, मैं सवाल है मेरा सरकार से, आंदोलनकारियों को दमन करने के लिए आपने 70,000 पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लाई की है, कभी क्या आपने नशे के ऊपर प्रकार भी की है?
आज से 4-5 साल पहले पंजाब में एक एसपी के ऊपर और एक पत्रकार के ऊपर सैंड माफिया ने ट्रक चढ़ा दिया था, अभी तक उसका कुछ पता नहीं लगा। ड्रग माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया, भू माफिया, पता नहीं कितने माफिया हैं, किसी माफिया पर भी सरकार की कोई न पकड़ कर रही है, न उस पर सख्ती की जा रही है। और जो देश को बचाने की बात कर रहा है, जो मजदूर की बात कर रहा है, जो किसान की बात कर रहा है, जो मोर्चा कह रहा है नरेगा के जरिए मजदूरों को 200 दिन काम दिया जाए, क्या गलत मांगे जे? मजदूर सक्षम होगा, जब मजदूर सक्षम होगा तो अपने आप देश भी मजबूत होगा। देश तब मजबूत होगा जब किसान मजदूर मजबूत होगा। और आज दोनों फोरमों की मीटिंग है, आज की मीटिंग में कल को आपको बड़ा ऐलान मिलेगा। और दिन ब दिन संगठन बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारे पास उत्तर प्रदेश से साथी आए हैं, नए साथी हरियाणा से आए हैं, पंजाब से आए, सॉरी मध्य प्रदेश से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, हिमाचल से आए हैं। आने वाले दिनों में आपको जो किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम राजनीति का गुलदस्ता है बहुत बड़ा होता दिखेगा, और रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ दिल्ली की तरफ जाएंगे। और मोदी जी को अंत पंत हमारी मांग माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारी मांग नहीं है, ये मोदी जी की कमिटमेंट थी, जो अपनी कमिटमेंट से मुकर रहे हैं, और हम उनको उनसे उनकी कमिटमेंट पूरी करवा के जीत के घर को जाएंगे। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जो हमारी बात संसार के इधर थोड़ी देर प्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी बात संसार के कोने कोने में पहुंचाते हैं, और मोर्चे की स्थिति का आपके जरिए सारे भारत देश में, सारे संसार में जो स्थिति स्पष्ट होती है। मैं बेनती करनी चाहता हूं कि जो ये मोर्चा चल रहा है, जो प्रेस वालों सानू सवाल होंगे भी तुहाडे मोर्चे दीआं मंगां दिन दिन वधदीआं जांदीआं, जिहड़ियां मंगां दिल्ली दे विच मोदी सरकार ने मन्नियां सी ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾ ਉਹ ਲੰਮੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੈਂਤ ਮੂੰਹ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਤੋੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖੜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿਦਾ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀ ਦਾ 76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ, 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਲੰਮੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਉਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੀਵੇਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਤਗੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਲੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਹਮਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥਾ, ਔਰ ਜਬ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਲੀਏ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈ, ਅਬ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਜਬ ਮਾਹੌਲ ਬਣਤਾ ਕੈਸਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਜ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ ਕੋ ਆਪਕੋ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੂਰਾ ਐਲਾਨ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਮ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇ ਬਾਅਦ। ਅਭੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੁਝ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।